हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। माय सेल्फ खुशबू सिंह, और आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं बैलेटन सिल्क साड़ी की ड्रेपिंग 3 यूनिक स्टाइल्स में लेकर आई हूँ। अगर आप नहीं जानते बैलेटन सिल्क तो आके आपको वीडियो में पता चल जाएगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फैब्रिक का नाम आप जैसे जानते हो कि बैलेटन सिल्क है, और मैंने आज से पहले इस टाइप की कोई भी सिल्क की साड़ी वेयर नहीं की है। ट्रस्ट में, ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिच लुक देती है। अगर आप सिल्क की साड़ी इसलिए पहनते हो कि आपको वो रिच लुक देती है, तो ट्रस्ट मी, आपको ये बैलेटन सिल्क ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हाईली रिकमेंडेड है। इसमें शाइन आप देख सकते हो, कलर कॉन्ट्रास्ट की तो कुछ कहनी ही नहीं है। ग्रीन कलर ऐसे भी हमेशा से ट्रेंड में रही है। सो गाइज़, ये साड़ी हाईली रिकमेंडेड है। जिनको ये परचेज़ करनी होगी उनको सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप एक बार ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब हम इनको ड्रेप करने का सही तरीका सीख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने वीडियो के दो पार्ट्स कर दिए हैं, जिसमें कि आपको एक रॉन्ग वे दिख रहा होगा और एक राइट वे। तो राइट वे की तरफ आप देख सकते हो ड्रेप करने का तरीका, और यहाँ पे केवल मैं एक बेसिक टक कर रही हूँ इसकी। तो नीचे की तरफ आप इनकी लेंथ देखिए, हालाँकि दोनों ही साइड पर मैंने हील्स वियर कर रखे हैं, बट रॉन्ग वे है कि आप उनको सरफेस टचिंग अपनी लेंथ नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप मान लो कहीं अपनी हील्स उतारते हो, आपको चलना पड़ा, तो फिर आप अपने ही अपनी साड़ी में फंसकर गिर सकते हो। तो आपको हमेशा अपनी लेंथ फ्लोर टचिंग बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट अपनी पल्लू की फैब्रिक को रफली गैदर करके एक बार घुमाकर अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पर रख कर इनकी लेंथ मेज़र करेंगे। अब आप जितनी भी लेंथ रखना चाहो आप रख सकते हो, और एक पिन लगाकर आप एक मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद अब हम इनको कैसे सेट करते हैं वो देखें। हालांकि इस साड़ी में वॉल्यूम तो है, नो डाउट, बट अगर आप इसको सही तरीके से ड्रेप करते हो तो ट्रस्ट मी, इस सिल्क साड़ी से ज़्यादा रिच लुक आपको किसी भी दूसरी फैब्रिक में नहीं मिलेगी। तो जो भी बिगनर्स हैं, जो भी बैलेटन सिल्क साड़ी पहली बार पहन रहे हैं, मैं इनको बिल्कुल बेसिक चीज़ें सिखाऊंगी, बिल्कुल आसान सी चीज़ें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको प्लेट्स बनाना नहीं आता तो आप अपने दोनों ही हाथों का इस्तेमाल करते हुए कैसे इनको अरेंज कर सकते हो वो देखिए। आपको हमेशा से अपनी फर्स्ट वाली प्लेट की डायरेक्शन अपनी लेफ़्ट हैंड की तरफ रखनी है। अब जिनको लेफ़्ट और राइट में कन्फ्यूज़न होती है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कामों को करने के लिए जिस हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो वो आपकी राइट हैंड है, तो ऑपोजिट वाली आपकी लेफ़्ट हुई। लेफ़्ट और राइट आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। और अब आप जब सारे प्लेट अच्छे से अरेंज कर लेते हो, तो यहाँ पे आप एक पिन यूज़ कर लीजिए। पिन इसलिए यूज़ करोगे आप, क्योंकि मान लीजिए अगर आगे की फैब्रिक को प्लेट में अरेंज करते करते वो फैब्रिक छूट जाती है, तो कम से कम यहाँ पे तो आपकी प्लेट अच्छे से अरेंज होनी चाहिए। तो इसीलिए आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा सकते हो, या फिर कपड़े सुखाने वाले जो क्लिप्स होते हैं आप वो भी क्लिप यूज़ कर सकते हो। अब आप नीचे की तरफ आसानी से देख सकते हो कि सारे क्रीज कितने अच्छे से विजिबल हो रहे हैं, केवल आपको उनको पकड़ना है और इनको गैदर करना है। अब ऐसे ही करते करते आप पूरी फैब्रिक को प्लेट में अरेंज कर लीजिए जहाँ तक हमने मार्क किया था, और अब पीछे की तरफ आप हमेशा अपनी पल्लू की लेंथ घुटने से नीचे तक रखिए, क्योंकि इससे आपकी साड़ी की जो लुक रहती है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, प्लस आपकी हाइट काफ़ी लंबी लगती है। साड़ी की जो हम शोल्डर पिन लगाते हैं वो हम कहाँ लगाते हैं वो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। ये वाली प्लेस इसलिए राइट होती है क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी भी काम को करने के लिए झुकते हो, तो सामने आपकी जो पल्लू रहती है वो नहीं आती है। अब हम सामने की तरफ क्या करेंगे कि पीछे की तरफ तो थोड़े से हमने पीछे की तरफ ले जाते हुए पिन यूज़ किया था, तो सामने की तरफ भी हम प्लेट को पहले तो अच्छे से अरेंज करेंगे। लास्ट वाली जो प्लेट है इसको थोड़ी सी ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए एक छोटी सी हम प्लेट बनाएंगे। अब इस छोटी वाली प्लेट को भी लेकर हम सामने की तरफ एक छोटी सी सेफ्टी पिन के साथ इनको सिक्योर करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाएंगी, और आपके नेक पे ये ज़्यादा नहीं चढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि पल्लू जो रहती है वो नेक पे ज़्यादा चढ़ जाती है। अब हम कमर के पास वाली फैब्रिक को कैसे सेट करेंगे इस साड़ी को वो देखिए। फैब्रिक को हम यहाँ पे कमर के पास खींच कर लाएंगे, और 2 से 3 प्लेट एकदम छोटी छोटी, बिल्कुल सटी सटी प्लेट हम अरेंज करेंगे, क्योंकि कमर के पास जब वो प्लेट जाएंगी तो वो अपने आप फैल जाएंगी। तो इसीलिए हमें ज़्यादा चौड़ी प्लेट अरेंज नहीं करनी है,
बिल्कुल पतली पतली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लेट अपने आप ही बन जाएंगे, आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल आपको इनको अच्छे से स्प्रेड कर देनी है, सेट कर देनी है। अब सामने की तरफ हम पिन लेंगे और इनको सुई की तरह चलाते हुए सेट करेंगे। अगर केवल आप एक बार ही लगाकर पिन छोड़ दोगे तो जो भी आप प्लेट लगाए हो वो आसानी से खिंच सकती है, तो इसलिए आप सुई की तरह चलाते हुए अपनी पिन को लगाइए। और आप देख सकते हो कमर के पास ये फैब्रिक अभी ही इतनी अच्छे से सेट हो गई है ऑलरेडी। तो अब सामने की तरफ की प्लेट बनाने के लिए हम राइट की तरफ फैब्रिक अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा वो देखिए। तो रॉन्ग वाले साइड पे मैंने राइट की तरफ कोई भी फैब्रिक नहीं छोड़ी है और राइट की तरफ मैंने फैब्रिक छोड़ी है। रॉन्ग की तरफ आप देख सकते हो कि मैं फैब्रिक को अनइवन तरीके से गैदर कर रही हूँ, कोई प्लेट छोटी है कोई प्लेट बड़ी है। तो अब आप देखिए कि रॉन्ग की तरफ आपकी जब प्लेट फूलती है तो वो क्यों फूलती है, क्योंकि आप इवेनली प्लेट अरेंज नहीं करते, तो इसीलिए आप एक साइज़ के प्लेट्स बनाइए ताकि वो दिखने में भी अच्छी हो और आपके लिए उनको टक जब आप करोगे तो आपके पेट के पास ज़्यादा फूली हुई भी ना हो। तो पीछे की तरफ जो मैंने प्लेट बनाया है ना, पीछे की तरफ जो फैब्रिक गई हो केवल मैं उनको खींच रही हूँ तो ये अपने आप सेट हो जा रही हैं, मुझे इनको झुक झुक कर बार बार सेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। अब मैं एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सारे फैब्रिक को फिर से पकड़ूंगी और यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद केवल और केवल हमें अपनी ठीक बेली बटन के पास इनको टक कर देनी है। राइट की तरफ जो थोड़ी सी भी फैब्रिक बच रही है इसको भी हम उसी जगह पे ही टक कर देंगे और बस अब हम अपने सामने वाली फैब्रिक को सेट कर देंगे। सो गाइस देखिए बैलेटन सिल्क जो है वो फुली हुई तो है, नो डाउट। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर सामने की तरफ आप एक और पिन का भी इस्तेमाल करना चाहो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट कहाँ आप कर सकते हो वो आप प्लेस देख लीजिए। अब अगर मान लीजिए इस साड़ी के साथ आप वेस्ट चेन का इस्तेमाल करने वाले हो तो इसको आप सीधा मत लगाइए वेस्ट चेन, आप इनको हल्का सा लूज करते हुए लगाइए ताकि आपकी कमर की जो शेप रहे वो बिल्कुल कर्वी लुक दे। इससे ये जो लुक होती है ना आपकी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका राइट वे ड्रेप करने के बाद का फाइनल लुक और रॉन्ग वे तरीके से ड्रेप करने के बाद वाला लुक। तो आप बैलेटन सिल्क साड़ी को ड्रेप करने का आई होप सारे तरीके आप अब सीख गए होंगे और आपके लिए काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल भी हुई होगी। तो चलिए अब इसी साड़ी को हम किसी दूसरी स्टाइल में ड्रेप करना सीख लेते हैं। तो दूसरा स्टाइल जो है हमारा वो है महारानी ड्रेप, और इस ड्रेप के लिए केवल हम अपने स्टाइल नंबर 1 से अपनी पल्लू को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे पल्लू को हम पीछे की साइड से घुमाकर अपने फ्रंट से ही लाकर और लेफ्ट साइड की शोल्डर पे उल्टा पल्लू रखते हुए सेट करेंगे। सो गाइज मैं आपको सारे स्टेप्स इसीलिए डिटेल्स में बताती हूँ क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि किन्हीं को भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और जो मैं यहाँ पे मेहनत करके आपको चीज़ें सिखा रही हूँ वो आपको सच में समझ में आ जाए। तो सामने की तरफ अब यहाँ पे भी हम एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ से प्लेट जो रह रही थी वो बार बार फूल जा रही थी। अब पीछे की तरफ जो गई हुई हमारी लेंथ है, इस लेंथ को हम इसकी केवल ऊपर वाली प्लेट की कॉर्नर पकड़कर सामने की तरफ लाएंगे और सामने बनी हुई जो प्लेट है इसके अंदर हम इनको इंसर्ट करेंगे और अंदर की तरफ हम इनको हाइट करके एक केवल सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो सामने की तरफ ये जैसे स्ट्रेटली ऐसे बैठ जा रही हैं वैसे ही पीछे की तरफ भी हम इनको स्ट्रेट ऐसे ले जाते हुए एक पिन इस्तेमाल कर लेंगे। इस लुक के साथ आप प्लीज़ एक मेटल वाली वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, चेन इस पर उतनी अच्छी नहीं लगेगी लेकिन अगर आप कैरी करना चाहो तो कर सकते हो, बट वेस्ट बेल्ट ज़्यादा अच्छी होगी। तो चलिए अब इस बैलेटन सिल्क की हम एक लहंगा स्टाइल भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी पल्लू ऑलरेडी पहले से सेट हैं
और फैब्रिक क्योंकि पहले से ज़्यादा फुली हुई है, तो अगर आप केन केन स्कर्ट वेयर ना भी करो तो भी लुक काफ़ी अच्छी लगेगी। ऐसे मैं आपको दोनों ही लुक के साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक बेसिक टक करेंगे जैसे हम साड़ी पहनने के लिए करते हैं, और ये वाली जो हमारी लहंगा वाली ड्रेप होगी ये हमारी फ्रंट पल्लू के साथ होगी। तो एक बेसिक राउंड टक करने के बाद हम अपनी राइट की साइड से ही प्लेट बनाना शुरू करेंगे, और प्लेट हम थोड़ी सी ज़्यादा ही नॉर्मल से चौड़ी रखेंगे ताकि कम ही प्लेट बने, बट जितनी भी प्लेट्स आती हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेट हो जाएं और अच्छे से बनी रहें। तो केवल हम एक सिंगल सिंगल प्लेट बनाएंगे और इनको टक करते हुए जाएंगे, और बाकी साड़ी में ही वॉल्यूम इतनी अच्छी है कि आपको केन केन स्कर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद अब हम अपनी पल्लू को अपनी राइट साइड के शोल्डर पे सीधा पल्लू लेते हुए सेट करेंगे, और जब प्लेट अच्छे से बन जाती हैं तो इनके ऊपर हम साड़ी क्लिप का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे आप चाहो तो सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट जो लोग नहीं चाहते कि कोई भी अननेसेसरी होल्स हों साड़ी में तो वो ये क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लिप काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है और आपकी क्लोथ भी इससे ख़राब नहीं होगी। इसके बाद सामने की तरफ से हम पल्लू की एक प्लेट को घुमाकर पीछे की तरफ ले जाएंगे और इनको अपनी ब्लाउज़ के साथ हम सिक्योर कर देंगे। तो ये स्टाइल इस साड़ी के साथ केन केन स्कर्ट और बिना केन केन स्कर्ट की कैसी लगेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।